तो देखो अभी तक अपन ने क्या किया है, अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए क्या किया है, रेट एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर के लिए। अब हम आज की क्लास में क्या सीखेंगे, आज की क्लास में इन चारों के लिए सबसे पहले हम वर्ड एक पढ़ते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या होता है हाफ लाइफ? हाफ लाइफ निकालना सीखें। हाँ भाई, हाफ लाइफ। तो देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, वो टाइम जिस पे आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लिख लो, टाइम यस सर, एट विच टाइम एट विच 50% जो भी आपका रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो चुका है। डिकम्पोज, यस डिकम्पोज, ठीक है, या 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब अगर वो सिंगल रिएक्टेंट है तो इसलिए हम बेटर है कि रिएक्शन पे ना जाके हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपका रिएक्टेंट है वो कितना परसेंट डिकम्पोज हो गया हो, 50% 50%. डिकम्पोज, तो वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। ठीक है, तो मतलब लेट से हमें क्या करना है, हर ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो निकल के आता है एटी इक्वल टू एनोड माइनस के टी। यही था हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए। अब यस सर, है ना, हमें इसके लिए हाफ लाइफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब इसके लिए रिएक्शन क्या थी, ए गिव्स बी, तो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो एनोड था, बी का जीरो था। टी इक्वल टू लेट से टाइम जो भी अपन ने माना था उस पे एनोड में से एक्स डिकम्पोज हो रहा था, इसका एक्स बन रहा था। अब अगर अपन हाफ लाइफ की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, एनोड बाई टू ए आएगी, नॉट बाय टू, है ना, यहाँ रख दो। तो ये इसी को यस हम सर, एटी बोलते हैं। यस सर, तो एटी हमारा क्या हो गया, एनोड माइनस एनोड बाई टू। तो कितनी वैल्यू आई एटी की यहाँ पे, ए नॉट बाय टू, यानी 50% बचेगा, उठा के यहाँ रख दो यस इस सर, रिएक्शन में। देखो क्या निकल के आता है, टी की वैल्यू निकाल के बताओ, रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा, एनोड बाय टू इक्वल टू एनोड माइनस की, और टी को मैं टी हाफ लिख रहा हूँ, टी हाफ का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इसकी हाफ लाइफ। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, के इंटू टी हाफ इक्वल टू एनोड बाय टू, राइट। तो यहाँ से टी हाफ क्या निकल के आया, एनोड बाय, तो ए नॉट बाई टू के ये ये कौन से ऑर्डर के लिए आया है, हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर के लिए आ गया, अप्रोच समझ में आती यस सर, है ना, हाफ लाइफ वो टाइम जिस पे आपकी रिएक्शन रिएक्टेंट क्या है 50% कंज्यूम हो जाए। तो ये मैंने जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेट किया है, इसी तरह से अब आप कौन से ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर, फटाफट कैलकुलेट करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इसी तरह से कर लेंगे. है ना। वही सेम चीज भाई, हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जिस पे कंसंट्रेशन 50% चली गई। ओके, तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना है। ये हमने किसके लिए डिराइव किया, ये हमने जीरो ऑर्डर के लिए डिराइव किया। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डिराइव किया ना अपन ने प्रीवियस क्लास में, यस सर, तो के क्या टी इज है, इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए टी. के टी इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 एनोड बाय एटी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो यस टी सर, हाफ पे एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई टू हो जाएगी. एनोड बाय टू हो जाएगी, उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, जब आप यहाँ रखोगे तो देखो कैसे लिख सकते हो, के इंटू टी हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 एनोड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए एनोड नॉट बाय बाई टू। और टू तो एनोड से एनोड कैंसिल, टू ऊपर आ एन गया, तो ये क्या हो गया 2.303। अच्छा, के मैं नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक तो है कौन सर. में आ जाएगा, लॉग बेस 10 और ये हो गया 2। तो ये हमारा क्या आ गया, टी हाफ आ गया। यस सर. ठीक है, अब आप बात आती है कि लॉग 2, तो लॉग 2 की वैल्यू आप याद रखना, ये 0.3 होता है। जब आपका बेस क्या होता है, 10 होता है ना, तो बेस 10 में लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 आती है। तो उसे अपन 0.3 ले लें एक तरह से, है यस सर, ना। तो 2.303 इंटू
0.3 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, के चल रहा है, कर दो मल्टीप्लाई, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये हमारा क्या हो गया, टी हाफ हो गया। तो ये कौन से ऑर्डर के लिए हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ है ना, ये वाला yes, किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के, इसी तरह सेकंड ऑर्डर का भी हो जाएगा, सेकंड का ड्राइवर और फिर एन का भी ड्राइव करेंगे, ठीक है सर, सेकंड का तो इजी, हां तो सेकंड का सॉल्व करो और एन का भी कर लो, फिर दोनों एक साथ कर लेते हैं। अब अपन को करना है सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर का जो फॉर्मूला अपन ने लिखा वो लिखा 1/80 माइनस 1/n0 इक्वल टू kT, है ना। अच्छा ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो इस टाइप की रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक ही रिएक्टेंट है, हमने इसी के लिए डिराइव किया था ना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, सारा इसी के लिए, हां एक से ज्यादा डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे तो फिर केस अलग हो जाएगा, आपको उसके लिए नया डिराइव करना पड़ेगा। तो अब देखो at की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t हाफ जब होगा, हाफ टाइम हो जाएगा, तो at की वैल्यू क्या हो जाएगी, n0 / 2 इक्वल टू yes, kT, और ये t हाफ है हमारा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/n0 माइनस 1/n0 इक्वल टू के टी हाफ, रख दो यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 1/n0 यस सर, और नीचे ले जाओ के, तो ये क्या हो गया टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू क्या है 1/n0 के, ये कौन से ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब इसी तरह से अगर हम nth ऑर्डर का लिए देखें तो nth ऑर्डर में क्या होता है, अब सेम फॉर्मूला आता है ऑर्डर, यस सर, जैसे 1 बाय ये मतलब nth ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया 1/80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1/a0 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू kT। देखो 1/n-1 आगे आता है, यस सर, अच्छा 1/n-1 मिस हो गया हमसे, kT की होल पावर क्या होता है n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/a0 की होल पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या है kT, यस सर। अब यस सर हमें पता है कि t हाफ जब निकालना है तो at की जगह हम क्या रख सकते हैं, n0 / 2 हाफ हो जाएगी ना कंसंट्रेशन, रख दो उठा के yes, यहां पे, तो देखो 1/n-1 अभी as it is ही चलने दो, ये क्या हो गया 2, यहां पर क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर n0 / 2 करोगे तो 2 पर चला गया 2 raised to the power n-1 है ना, इनकी पावर क्या है n-1 चल रही है -1, यस सर, इक्वल टू क्या है kT, यही है। चलो तो अपन yes, यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा, तो इसके बाद देखो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया kT इक्वल टू एलशियम, लो एलशियम क्या होगा एनोड हो जाएगा, यस सर, तो एनोड की पावर हाँ ऊपर क्या रहेगा एनोड की पावर n माइनस वन, और ठीक है 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 माइनस, तो ये हमारा माइनस 1, तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है t half है, तो यहाँ से t half निकाला तो क्या हो गया 1 upon k नीचे ले गया n minus 1 नीचे yes, गया into 2 raised to the power n minus 1 divided minus 1 divided by n odd whole power n minus 1। अच्छा ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए, हाँ अच्छा, तो यहाँ पर जो ये हाफ लाइफ है, अब अगर मैं बात करूँ क्या सारे ऑर्डर के लिए ये एप्लीकेबल है या कोई ऑर्डर हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर n क्या नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो उस केस में है yes, sir, n इक्वल टू 1 है तो उस केस में हाफ लाइफ हमेशा निकालेंगे। तो ये हमने क्या किया, सारे ऑर्डर्स के लिए हाफ लाइफ डिराइव कर लिया। अब देखो नेक्स्ट आता है, जैसे अपन ने हाफ लाइफ डिराइव किया, अगर ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि T3/4 की वैल्यू बताओ, T3/4 का मतलब क्या है, वो टाइम जिसमें रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गई हो, 75% हो गई हो, तो जरा से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए T3/4 का वैल्यू बताओ, 75% निकाल दो, हाँ निकाल दो, तो at इक्वल टू एनोड माइनस एनोड माइनस, ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए है ना, यस सर, तो जब t की वैल्यू T3/4 होगी तो at कितना बचेगा, at हो गया एनोड माइनस x,
यस सर, एक्स हो जाएगा ए नॉट, थ्री ए नॉट बाई फोर। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3a0/4, इतना चला गया वो, क्योंकि उठा के यहाँ रखो तो at की वैल्यू कितनी आई, ए नॉट बाई फोर, ए नॉट बाई फोर उठा के इस वाले एक्सप्रेशन में रख दो, फर्स्ट वाले में जो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला, देखो टी थ्री बाई फोर कितना आ रहा है, ए नॉट बाई फोर इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी थ्री बाई फोर। हाँ भाई कितना आया, टी थ्री बाई फोर ये तो थ्री ए नॉट बाई फोर के आ रहा, के कहाँ ऊपर या नीचे, नीचे नीचे, हाँ थ्री ए नॉट बाई फोर यही है ना, ये हमारा क्या हो गया थ्री बाई फोर हो गया, यानी वो टाइम जिस पे रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गई, जिस पे 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ऐसे ही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालें तो फटाफट से सॉल्व करते जाओ साथ के साथ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है kt इक्वल टू व्हाट, 2.303 log base 10 10 a नॉट बाय 80 होता है। रख दो वैल्यूज, तो 80 की जगह कितना रखूं मैं, सिमिलरली a नॉट बाय 4 क्योंकि 3 बाय 4 तो चला गया, तो बचे 75% चला गया, तो बचेगा 25%, 25% मतलब a नॉट बाय 4 इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहां से हो गया k इनटू t 3 बाय 4 इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट बाय 4 है ना। तो देखो a नॉट से तो a नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो 2.303 log बेस 10 कितना आया, 4 या 1/4 सर, 4 आएगा, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस सर, और 2 बाहर आ जाएगा, हाँ तो 4.606 इनटू 0.3 हो जाएगा, हाँ तो इसको क्या मैं 1.386 लिख सकता हूँ, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3 होती है। तो यही हमारा t3/4 किसके लिए आया, ये आगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ऐसे ही किसी भी ऑर्डर के लिए आप 3/4 टाइम निकाल लोगे जिस पे 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना, यस सर। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यानी हमें क्या निकालना है, टी कंप्लीट रिएक्शन का टाइम, टी 100% निकालना है, तो आप जीरो ऑर्डर के लिए निकाल के बताओ जल्दी से, तो कैसे करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, तो एक्स ले लेंगे इसमें, मतलब एक्स तो ए नॉट हो जाएगा, एटी जीरो हो जाएगा पूरा, और एटी अगर जीरो हो जाएगा तो मतलब टी 100% हो जाएगा ए नॉट बाई के, हाँ राइट, यानी जीरो ऑर्डर के लिए देखो क्या होता है, एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है, है ना। अब टी 100% जब आपको निकालना है तो अब रिएक्टेंट कुछ बचेगा क्या, नो सर, तो एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो, तो इसमें जब आप यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो इक्वल टू एनोड माइनस के इनटू टी 100%, तो यहाँ से टी 100% की वैल्यू क्या आ गई, एनोड अपॉन के, यानी इतने टाइम में जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, कोई डाउट, नो सर, नहीं है, तो ये टी 100% हमने निकाला जीरो ऑर्डर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप टी 100% निकालो लेकिन कौन से ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 100% कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाँ टी 100% ये निकलेगा कैसे, जैसे 80 तो जीरो हो जाएगा, हाँ भाई भाई केटी क्या होता है हमारे पास, ln के फॉर्म में लिखते हैं ln a नोड बाय 80, है ना, अच्छा हाँ, तो अब देखो जब टी 100% लेते हैं तो 80 मतलब रिएक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन बचती नहीं है, नहीं तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो 80 जीरो हो गया, तो यहां से हमारे पास के टी 100% क्या हुआ, ln a नोड बाय 0 हो गया, a नोड बाय 0 मतलब ln इनफिनिटी हो गया, नॉट डिफाइन, हां हां यस सर, तो इसको ln इनफिनिटी की वैल्यू क्या आती है, इनफिनिटी आती है, यस सर, तो टी 100% कितना आ रहा है,
इनफाइनाइट आ रहा है, यानी क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट होगी? नो सर। नहीं तो एक नोट करके लिख लो, क्या लिखोगे बताओ नोट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर मतलब कंप्लीटली फिनिशेस ऐसा कुछ, मतलब कंप्लीट नहीं होती। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर 100% कंप्लीटेड, नेवर कंप्लीटेड 100%, लिख लो। फर्स्ट हो गया ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड 100%, ठीक है ना? यस सर। तो ऐसे ही अब हम मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही है जो 100% कंप्लीट नहीं होगी, बाकी के लिए तो आ जाएगा सारा टाइम कि नहीं आएगा? यस सर। सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाएगा क्या? यस सर आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए भी आ जाएगा। 100% कंप्लीशन में कितना टाइम लगा करके देखो, फॉर्मूला आपके सामने। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी नहीं आएगा, कितनी नहीं आएगा ना, क्योंकि 1/80 होता है ना, 1/80 होता है, सॉरी है ना। तो यानी 100% जो कंप्लीट है वो सिर्फ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, रिएक्शन ही होती है, बाकी नहीं होती है। बाकी के लिए फिर हमें, और हमें अगर निकालने के लिए बोले तो हमें पता ही अप्रोच कैसे करना होता है, तो कर लेंगे अपन इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। क्यों भाई, क्लियर? तो ये देखो अभी टी हाफ निकालना सीख लिया, टी 3/4 सीख लिया, टी 100% सीख लिया, या कोई सा भी टाइम पे हमें बोले तो हम उस पे उसकी कंसंट्रेशन बता सकते हैं कि कितना रिमेनिंग रहेगी, या हम ये भी बता सकते हैं कि उस टाइम पे वो जो रिएक्शन है मतलब उस कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में उस उतना पार्ट। तो अब जैसे इसके ऊपर वैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? कौन से ऑर्डर दे दिया आपको? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको एक रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है? कि एक रिएक्शन है जो 99% कंप्लीट हो रही है डिवाइडेड बाय टी 99.9%, यानी एक बार वो 99% कंप्लीशन हो, एक बार उसका 99.9% कंप्लीशन हो, तो उन टाइम्स का आपको रेशियो बताना है। टी 99% का मतलब वो टाइम जिस पर रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गई हो, 99% कंप्लीट हो गई हो, 99% कंप्लीटेड हो गई हो, ठीक है? तो इन दोनों का रेशियो आप कैलकुलेट करो फटाफट। ये हो गया 99.9% कंप्लीटेड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको इन दोनों का रेशियो, तो देखो आपको इसका रेशियो बताना है। तो हम क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ऑर्डर देखते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, ये एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए कि KT इक्वल टू क्या होता है, ln a नोड बाय AT होता है। अब देखो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना, तो रिमेनिंग कितना हो गया, कितना कंसंट्रेशन? 1%। तो रिमेन जो रहेगा वो 1% रहेगा, है ना? तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% ऑफ एनोड, यही रहेगा ना 80? यस सर। कितना हो गया ये एनोड बाय 100, ये तो हमारा 80 आ गया, कब? जब 99% कंप्लीट हो। अब ऐसे ही अगर रिएक्शन आपकी 99.9% जा चुकी है तो रिमेनिंग कितनी है, कितना परसेंट बचेगा? 0.1% हो जाएगा, 1% बचेगा। तो 80 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एनोड का 0.1%, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, ये नोड बाय 1000 हो गया, नोड बाय 1000 हो गया। दोनों उठा के रख दो तो वहां पे एक्सप्रेशन में, तो देखो हमारे पास हो गया एक बार के टी 99% इक्वल टू ln a नोड डिवाइडेड बाय a नोड बाय 100, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ln 100। ऐसे के T 99.9% इक्वल टू क्या हो गया, ln a node डिवाइडेड बाय a node बाय 1000, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 1000। यस सर। कर दो दोनों को डिवाइड, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या होगा, k से तो k कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसका रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, तो यहां से रेशियो आएगा T 99% डिवाइडेड बाय T 99.9% इक्वल टू ln 100, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ,
और 1000 में 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो ये पावर से जो बाहर आ जाती है तो 2/3 ln 10 से ln 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, तो ये रेशियो है 2/3। तो देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन सिंपल है, कर यस सर। सकते हैं अपन, है ना। तो आगे बढ़े अपन, तो देखो अपने जो भी nth order के different nth तक different type of order है उसके लिए expression सीख लिया, half life सीख लिया, time completion सीख लिया। अब questions आता है इससे related graph, अब हमें graphs draw करने हैं, तो हम start ठीक करते हैं सर। graph। सबसे पहले हम बात करेंगे zero order के लिए, है ना। बहुत basic basic graph है जो कि अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम सबसे फर्स्ट कौन सी ऑर्डर ले रहे हैं, जीरो ऑर्डर ले रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं। उसमें से फर्स्ट ग्राफ है आपका, ठीक है, एटी वर्सेस टी। सेकंड ग्राफ है आपका एक्स वर्सेस टी। थर्ड ग्राफ है आपका रेट वर्सेस एटी, एटी मतलब टी टाइम पे कंसंट्रेशन, ठीक है। फोर्थ ग्राफ है आपका टी हाफ, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है वर्सेस एनोड, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। फिफ्थ ग्राफ आपको ड्रॉ करना है इसका चलो इतना करो पहले, चार करो जब तक, फिर मैं और देता हूँ। ड्रॉ करो सिर्फ ये फर्स्ट वाला क्या है, ये फर्स्ट ए वाला एटी वर्सेस, हाँ एटी मतलब अच्छा, टाइम पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का, और ये सब जीरो ऑर्डर के लिए है, ये सब जीरो ऑर्डर के लिए ड्रॉ करने हैं। देखो अब आपको जब भी ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच इसमें क्या होनी चाहिए, आपको जिन दो एक्सेस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है उसके बीच में एक रिएक्शन पता होना जरूरी है। जैसे कि आपको फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है एटी वर्सेस टी, तो जीरो ऑर्डर के लिए जब भी आप एटी वर्सेस टी में कोई रिलेशन देखोगे तो वो ये है एटी इक्वल टू और ये कॉन्स्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट रहती है, तो सी, तो कैसा रिलेशन आया, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, कैसा ग्राफ होता है इसका, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। देखो ये हमारा ग्राफ हो गया एटी वर्सेस टी के बीच में जीरो ऑर्डर के। सेकंड ग्राफ किसका, किसके बीच में है, एक्स एक्स वर्सेस टी, हाँ एक्स वर्सेस टी के बीच में। तो अब हमें एक्स और टी के लिए रिलेशन चाहिए जीरो ऑर्डर से, तो हमारे पास रिलेशन आता है एक्स इक्वल टू के टी, एक्स को वाई, टी को एक्स, तो कैसी इक्वेशन हो गई, वाई इक्वल टू कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम जाए तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है वो आता है आर इक्वल टू के, रेट कॉन्स्टेंट होती है, तो क्या ये जो रेट है वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं तो इस मतलब कांस्टेंट ये हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में रेट क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कैसा ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस, क्लियर, ये हमारा सी हो गया। अब हम बात करते हैं किसके लिए, हाफ लाइफ, तो टी हाफ का फार्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ का फार्मूला, यस सर सही लिखा है मैंने, यस सर ए नॉट बाय 2k, हां तो टी हाफ को y मान लो, ए नॉट को x मान लो, तो y इक्वल टू कैसी इक्वेशन होगी, mx हो गई ना, तो ये क्या हो गया, देखो ये टी हाफ हो गया और ये क्या हो गया, ए नॉट हो गया, तो कैसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ अगर आप, ग्राफ अगर आपसे पूछा जीरो ऑर्डर के लिए तो क्या डिराइव कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए बढ़े आगे, यस सर, है ना। अभी सेकंड हम लेते हैं कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर कोई यही सारे ग्राफ हमें दोबारा रिपीट करने, तो कौन कौन सा,
फर्स्ट ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वही 80 वर्सेस टी, सेकंड ग्राफ एक्स वर्सेस टी, ये थोड़े से डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं बी वाला, कोई बात नहीं बट अपन देख लेंगे। थर्ड ग्राफ ई हाफ वर्सेस एनोड है ना, फोर्थ ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन एट टाइम टी, फिफ्थ ग्राफ एलएन एटी वर्सेस टी, ठीक है, सिक्स्थ ग्राफ पहले इतना करो, चलो फाइव करो फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी सबसे पहले तो हमें क्या रिक्वायर्ड है इसमें, रिएक्शंस सॉरी इनकी इक्वेशंस रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको कहा ना कि जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले उनमें रिलेशन पता होना जरूरी है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का नाम आती है हमारे माइंड में, सबसे पहले जो इक्वेशन आती है वो आती है के टी, जो रिलेशन आता है के टी इक्वल टू एल एन ए नोड बाय ए नोड ए टी आता है ना। यस सर, तो अब इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे, तो हमें 80 की वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ। Yes. तो जब आप एंटी लॉग लोगे तो देखो ln, ln का मतलब होता है log बेस e, तो जो बेस होता है इधर वाली साइड वो पावर में चला जाता है, तो ये सारा का सारा चला जाएगा e की पावर में, ये हो गया e रेस्ट की पावर 80 हो गया। Yes, sir. Which is equal to क्या आ गया a node by 80 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 80 इक्वल टू क्या हो गया a node डिवाइडेड बाय e रेस्ट की पावर 80, सिंप्लीफाई कर दो तो 80 इक्वल टू क्या हो गया एनोड इनटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस केटी हुआ। यस सर, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास रिलेशन आ गया, तो 80 को मुझे वाई मानना है, ये कुछ के मान लो और टी को एक्स मान लो, तो वाई इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अब कैसा ग्राफ होता है ये, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। यस सर, डाउनवर्ड का होगा। हाँ, x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू k है, x इक्वल टू इनफिनिटी पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यानी यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा ये, है ना, ये नोड और ये क्या होगा y इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर माइनस x, ऐसा ही ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड। यस सर, ये हमारा किस किस के बीच का ग्राफ हो गया, 80 वर्सेस टाइम के बीच का, टाइम तो ये हमारा हुआ फर्स्ट ग्राफ। अब हम आते हैं सेकंड पे, ठीक है, सेकंड क्या है, x वर्सेस t है ना। अब हमें पता है कि हम 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 इक्वल टू क्या होता है एनोड माइनस x, 80 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 80 की वैल्यू है एनोड इनटू e रेस्ट टू द पावर माइनस kt, यहां रख दो, देखो एनोड इनटू e रेस्ट टू द पावर माइनस kt इक्वल टू एनोड माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स क्या होगा एनोड माइनस एनोड ई रेस टू द पावर माइनस के टी। यस सर, एनोड कॉमन ले लो तो क्या हो गया वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी। तो अब हमारे पास रिलेशन आ गया एक्स वर्सेस टाइम, तो देखो क्या आया, ये आ गया ना ये इक्वेशन, ये एक्स वर्सेस टाइम के बीच में इक्वेशन है। अब इसमें क्या करो, अब आपको ये तो समझ में आया ग्राफ एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा ये कैसे समझ में आएगा, तो एक बार क्या करो टाइम की वैल्यू जीरो रखो, जब टाइम की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या निकल के आ रहा है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू सर तो ये जीरो आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो ई रेस्ट टू द पावर माइनस जीरो, किसी की पावर जीरो वन होती है तो ये वैल्यू वन है ना, 1-1 0 यानी ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अब t की वैल्यू इनफिनिटी रखो, तो e-minus तो x हमारा कितना आ गया 0 आ गया, t की वैल्यू इनफिनिटी रखो तो e रेस्ट टू द पावर माइनस इनफिनिटी कितना होता है, e रेस्ट टू द पावर माइनस इनफिनिटी का वैल्यू 0 0 जीरो हो जाएगा सर, तो ये a नॉट हो जाएगा x की वैल्यू, 1-0 1 हो गया into a नॉट, तो ये a नॉट हो गया, यानी x की वैल्यू क्या हो गया a नॉट हो गया, यानी जब ग्राफ इनफिनिटी पे जा रहा है तो x a नॉट पे जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं a नॉट है,
मान लिया ये वैल्यू एन नॉट, ठीक है सर। अच्छा एक्सपोनेंशियल है तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और जब टाइम इंफिनिटी पे है तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, नोड की तरफ जा रही है, ए नोड की तरफ, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये थोड़ा दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में, थोड़ा इसको और सही कर देता हूँ ना, वो एक्चुअली ड्रॉ करते वक्त हाथ ऐसा हो गया, स्लिप हो गया, तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल दिखेगा। यस सर, समझ में आ गया। क्लियर सर। ये हमारा एक्स वर्सेस टाइम टी हो गया। ओके अभी नेक्स्ट अब हमें ड्रॉ करना है t half versus a not। क्या रिलेशन है t half और a not में, t half जैसे इन दोनों के बीच ये कोई रिलेशन नहीं आएगा, मतलब जैसे 0.693 पे डिपेंड करता है क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए? नहीं नहीं करता, मतलब कैसा ग्राफ आएगा फिर? कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस कांस्टेंट लाइन ग्राफ, क्योंकि t half हमारा a not पे 0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड ही नहीं करता, तो ये ग्राफ हो गया है ना। नेक्स्ट कौन सा है? R versus a at AT, तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए R इक्वल टू क्या होता है, K into AT, K AT, तो R को Y मानना है, K तो कांस्टेंट है ही है, X सर AT का स्क्वायर होना चाहिए ना, फर्स्ट ऑर्डर है ना तो पावर वन ही आएगी ना। हाँ हाँ सॉरी पावर वन यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यस सेकंड ऑर्डर होता तो पावर टू आती, तो कैसा ग्राफ हुआ रेट वर्सेस AT के बीच में? Yes, origin से ये passing straight line. Straight line graph, y equal to mx की equation आ गई। अब हमें कौन सा question करना है? Graph. ये ln at versus t. तो ln at versus t के लिए हमें क्या चाहिए? इनके बीच में relation चाहिए। तो हमारे पास क्या है? kt equal to देखो क्या है? ln a node by at होता है ना? हाँ, yes sir. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? kt equal to ln a node minus ln at, very good, ln a node minus ln at हो गया, a upon b formula से, तो यहाँ से ln at की value क्या हो गई, क्योंकि ln at पहले रखना है तो उसे अपन को इधर लाना पड़ेगा, तो ln at equal to क्या हो गया, ln a node minus minus kt, अब ln at को क्या मान लूंगा मैं, y और t को क्या मान लूंगा, x, तो देखो कैसी equation बनी, y equal to minus mx plus c, c minus mx या minus mx plus c, तो कैसा ग्राफ आएगा? ये आ जाएगा मतलब negative slope straight line आएगी। Straight line with negative slope, ऐसा कुछ ग्राफ। Slope. किस किस के बीच का ग्राफ है ये? ln at versus t versus t, तो क्या सारे ग्राफ क्लियर है आपको? यस सर सारे ग्राफ क्लियर है। कोई ग्राफ तो नहीं है? तो इस तरह से अभी अपन ने क्या किया, अपन ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया है, नेक्स्ट क्लास में अपन एक सेकंड ऑर्डर का एक दो ग्राफ देख लेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए, डिफरेंट मेथड्स हम कैसे ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है सर, ठीक है, तो आज के लिए इतना रखें। ठीक है।